भागलपुर के बरारी शमशान घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ पूर्व विधायक जनार्दन मांझी का अंतिम संस्कार किया गया। दिवंगत पूर्व विधायक के पुत्र ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज ने शमशान घाट पर अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी लोगों की भीड़ के बीच अपने पिता को मुखाग्नि दी। इस दौरान भागलपुर जिला प्रशासन के द्वारा पूर्व विधायक के सम्मान में शमशान घाट पर अंतिम विदाई के दौरान सलामी शस्त्र भी दी गई। बरारी सीढ़ी घाट पर अंतिम संस्कार के दौरान बांका के जदयू सांसद गिरधारी यादव, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा, नाथनगर से राजद विधायक अली अशरफ सिद्दीकी, पीरपैंती से भाजपा विधायक ललन पासवान, भागलपुर जदयू की जिला अध्यक्ष पंचम श्रीवास्तव, भाजपा जिला अध्यक्ष रोहित पांडे, लोजपा जिला अध्यक्ष अमर सिंह कुशवाहा, राजद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहम्मद परवेज जमाल सहित बड़ी संख्या में सभी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। हम आपको बता दें, 78 वर्षीय पूर्व विधायक का मंगलवार को इलाज के दौरान पटना में निधन हो गया था। वो पिछले सप्ताह ही बौंसे स्थित अपने आवास पर बाथरूम में गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए पटना ले जाया गया था, जहां एक निजी अस्पताल में उन्होंने मंगलवार को अंतिम सांस ली, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को बौंसे स्थित उनके पैतृक आवास पर लोगों के अंतिम दर्शन के लिए ले जाया गया। उसके बाद भागलपुर के बरारी सीढ़ी घाट पर पूर्व विधायक जनार्दन मांझी का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ कर दिया गया। जनार्दन मांझी लगातार 15 वर्षों तक विधायक रहे। 2005 में बांका जिला के बिलहर से और 2010-15 में अमरपुर विधानसभा से। अंतिम संस्कार के दौरान बरारी शमशान घाट पर पहुंचे नेताओं ने जनार्दन मांझी को जनसेवक करार देते हुए उनके निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। पूरी श्रद्धांजलि हम लोग का, हम लोग साथ में मिले भी थे, हम लोग लंबे दिनों से संपर्क था मेरा, हम लोग आमने सामने चुनाव भी लड़े, लेकिन जो राजनीतिक में जो विरोध और पक्ष होता है उसमें किसी प्रकार का व्यक्तिगत स्तर पर नहीं था। लोग सब मिलजुल कर माता के विकास के लिए लगे रहते। हमारे आदरणीय जनार्दन मांझी जी बहुत दिन विधायक रहे और बहुत सेवा की है जनता का, और उसी में हम आए थे। उनके बेटा भी आज मंत्री हैं, जयंत राज जी, तो स्वाभाविक है कि उनका जो अंतिम संस्कार हुआ उसमें शामिल होने आए थे। ये बहुत ही अपूर्ण क्षति है हमारे इलाके, मेरा भी भागलपुर बांका जिला तो एक ही है, इसलिए ये हमारे जिला के लिए बहुत अपूर्ण क्षति है। हम उनके आत्मा को शांति मिले और इस दुख के घड़ी में हम उनके परिवार के साथ हैं। और सभी राजनीतिक दल के हम लोग सम्मानित विधायकगण, सांसदगण और सभी सामाजिक राजनीतिक धार्मिक संगठन के हम लोग श्रद्धेय जनार्दन मांझी जी के दाह संस्कार से विदाई में हम लोग शामिल हुए थे, और अपने आप में एक बड़ी राजनीतिक क्षति है और उनकी पूर्ति नहीं की जा सकती। बस उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम लोग उनके बताए रास्ते पर जो उनकी भावना थी, जिस रूप से समाज में सर्वांगीण विकास की वो लहर दौड़ाए थे, जिस सोच के साथ राजनीति में आए थे, पर हम लोग काम कर सकें उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और हम ईश्वर से हम सभी कामना करते हैं, ईश्वर उन्हें सदगति प्रदान करें। माननीय जनार्दन मांझी जी का देहांत ये पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति है। वो इस जदयू के संस्थापक सदस्य थे और उन्होंने जब कुछ नहीं था तब वो उन्होंने शुरू किया। बांका के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, बेलहर और अमरपुर से विधायक रह चुके हैं, और वो खास करके मेरे लिए ये व्यक्तिगत एक सदमा है, क्योंकि मुझे उनके सानिध्य में काम करने का बहुत मौका मिला। बहुत ही सरल स्वभाव थे,
बहुत ही नेक विचार थे और बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे, और ऐसे इंसान को आजकल मिलना बहुत मुश्किल है। और ये जदयू के लिए, जदयू परिवार के लिए और भागलपुर कमिश्नरी के लिए भी ये तो बहुत बड़ा क्षति है, इसको पूरा करना मुश्किल। देखिए, कल ही हम लोगों को इसकी सूचना मिली कि जनार्दन बाबू नहीं रहे। ये हम लोग के समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है, इनकी भरपाई नहीं की जा सकती। आज आलम ये देखें कि लोग यहाँ पर कोई दल बल से उठकर सभी लोग आए हैं। इनके सरल स्वभाव के सभी लोग कायल थे, और ये जो समाज में पिछड़े, दलित या सवर्ण जो भी हैं, सभी को समाज में किस तरह से एक करके लेके चलना है, कोई इनसे सीखे। भागलपुर का जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल इन दिनों दलालों के कब्जे में है। यह बात तब सामने आई जब दलालों ने एक मरीज को बेहतर इलाज का झांसा देकर निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया, और वहां लाखों के खर्च होने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाया। वहीं अस्पताल अधीक्षक खुद भी मान रहे हैं कि अस्पताल में काफी दलाल हैं। सबौर मिर्जापुर के रहने वाले सुभाष कुमार 16 जून को सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया था, जिसके बाद डॉक्टरों ने घायल का इलाज शुरू कर दिया था। लेकिन चोट लगने के कारण रात में जब दर्द उठा, तब दलाल घायल के छोटे भाई को बेहतर इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती करवाने को लेकर बहला फुसला कर वहां से 0 माइल के आयुष्मान नर्सिंग होम में भर्ती करा दिया, जहां इलाज के दौरान सुभाष का पैर ठीक तो नहीं हुआ, वहीं उसका एक पैर काट दिया गया, और इलाज को लेकर मरीज के परिजनों से 1.5 लाख रुपए ले लिए गए। अस्पताल के द्वारा और पैसे की मांग पर मरीज वहां से घर लौट गया, लेकिन फिर तकलीफ होने पर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में अपना इलाज करा रहा है। उसका कहना है कि अस्पताल के ही स्टाफ श्रवण और एक ट्रॉली मैन ने बहला फुसला कर निजी क्लिनिक भिजवाया था। तो में आ गए इस तरह के, जिस तरह से हम कर ही रहे थे कि इन लोगों को समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। उसके बाद उसके यहाँ पहुँचे, वहाँ वो बंडेज खोल के आयुष्मान हॉस्पिटल 0 माइल, एक सरवन नाम करके था, और ट्रॉली मैन को तो हम पहचानते नहीं, इसलिए कि रात में और सुबह लगभग 5 बजे यहाँ से हमको लेके चल गए। तो उनका काम ही यही है जो सरवन नाम बता रहे हैं। उसके बाद वहाँ ले गए, वहाँ ले जाने के बाद बोले कि पहले एक्सरे कराना होगा, तो एक्सरे कराने के लिए 4800 रुपया लिए, और ब्लड टेस्ट कराने के लिए 3100 रुपया लिए। उसके बाद जब वहाँ से वो सब करा के आए, तो वो डिमांड किए कि 1,75,000 यहाँ लगेगा, तब इसका पैर हम सही कर देंगे, जिसमें दवाई, बेड चार्ज सारा। उसके बाद 50,000 रुपया उसको हम ब्याज पर ला के जमा किए। फिर बोला कि ये पैर ख़राब हो गया, काटना पड़ेगा। तो हम खुद देखे थे कि यहाँ तक पैर ये जो है ख़राब हो चुके थे। उसके बाद मेरे भाई को बुला के ऑपरेशन थिएटर में बोला कि यहाँ तक जब खराब है थोड़ा ऊपर से काट देते हैं। वहीं इस मामले पर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर असीम कुमार दास का कहना है कि सिर्फ मरीज को ले जाने को लेकर ही दलाल अस्पताल में सक्रिय नहीं है, बल्कि ब्लड बैंक तक में दलाल सक्रिय है, जिसको लेकर सीसीटीवी से अब निगरानी की जाएगी। वहीं उन्होंने इस घटना को लेकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। मेल वार्ड अटेंडेंट है जिसका नाम है श्रवण, उसी के बारे में रोगी के द्वारा कंप्लेन की जा रही है कि वो जिस दिन यहाँ भर्ती हुआ था 16 जून को, तो भर्ती के बाद ही उसको जो है, वो कोई भी मरीज अस्पताल में भर्ती होता है तो तकलीफ होता है, तो तकलीफ के समय अगर उससे कोई मीठी मीठी बात करके चलो हम तुम्हारा बढ़िया इलाज करवा देंगे, ये करवा देंगे, तो इस तरह की बातों को हवाला देते हुए वो उसको यहाँ से प्राइवेट क्लिनिक में लेके चला गया, जैसा मरीज के बयान से हम लोगों को मालूम हुआ। और जहाँ भी प्राइवेट में लेके गया वहाँ उसका इलाज हुआ, और काफ़ी उसको आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा। इलाज के बाद वो घर गया, लेकिन उसका घाव सूखा नहीं, उससे पस आता रहा। फाइनली उसको दोबारा जो है वो हमारे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। तो अब ये है कि स्टाफ का बात सामने में आया है कि बहला फुसला के लिया लेके गया है, तो उसको तो हम तो कानून संगत जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो तो हम करेंगे। इस बीच इसको कैसे रोका जाए,
इसके लिए तरह तरह के उपाय हमने सोचे हैं और HOD से भी बात किया कि जो भी मरीज अस्पताल से बाहर निकलता है अगर वो इलाज कराने कहीं और जाना चाहता है तो वो लिख के जाएगा BST में कि हम जाना चाहते हैं, बाहर अपना इलाज कराएंगे या हम अपनी इच्छा से जाना चाहते हैं। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस विधायक दल के नेता ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में अस्पतालों में दलाल फैले हुए हैं। उन्होंने मांग की कि विधायक की एक समिति मुख्यमंत्री बना दे जिस पर विधायक जांच कर कार्रवाई की अनुशंसा करेंगे और कार्रवाई होने पर इस तरह का कार्य रुकेगा। बिल्कुल ऐसे ब्रोकर हैं, ऐसे दलाल हैं जो बाहर में जब पेशेंट आते हैं उनको समझाता है कि यहां कोई इलाज की सुविधा नहीं है, चलिए फलना फलना डॉक्टर के, उनको कमीशन मिलता है। ये हालत है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को आईना दिखाता है कि आपके कार्यकाल में ये हालत है स्वास्थ्य का, हॉस्पिटलों की हालत है, इलाज नहीं हो रहा है, डॉक्टर अपने नर्सिंग होम ले जाते हैं अपने प्राइवेट में और दलाल रखे हुए हैं सब लोग। इस पर आप कड़ी जांच कर, नहीं होता है तो विधायकों की एक समिति आप बना दीजिए, विधायक लोग इसकी जांच करेगा और आपको रिपोर्ट सौंपेगा, सब पे कार्रवाई करिए। निश्चित तौर पर कार्रवाई जब तक नहीं करिएगा कोई सुधार नहीं होने वाला है। धरती के भगवान जब पैसे की लालच में इंसानों की जान से खेलने लगे तो समझा जा सकता है स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल होगा। न्यूज डेस्क TB अंग प्रदेश।